मैं मानता हूँ आप यहाँ पे हो, आपने अपने होने की मुझे प्रेजेंस फील कराई है, मेरे गूज बम्स खड़े हो गए, बट यहाँ पर बहुत हैवी वाइब्रेशंस है। राइट, आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस इन्वेस्टिगेशन। तो जिसकी आपको जरूरत होती है पहले मैं वो दिखा देता हूँ। गूगल टाइम इन इंडिया 2:16 सागर तिवारी, सच तिवारी फिर से एक नई हॉन्टेड लोकेशन पे, मेरे कहने पे नहीं, मेरे कुछ लोगों के कहने पे। आपने इंटरव्यू देख लो पहले एक बार। तो भाई साहब बताते हैं, इस पेड़ के पास जाना रात के समय पे ठीक नहीं है, ऐसा क्यों? यहाँ पर एक गांव के परिवार ने फांसी लगा ली थी, 5-6 लोग वो अच्छा खत्म हो गए थे। अच्छा अच्छा। तो उनकी रात के टाइम पर आत्मा भटकती है, और दिन में भी मतलब लोग जाने से डरते हैं और रात को भी नहीं कोई अच्छा आता जाता। तो किसी ने देखा है कभी कुछ आत्मा? रात के टाइम दिन में भी देखा है, अकेले दुकेले जो आता जाता है हाँ उनको आत्मा दिखाई देती है। और अगर मैं रात को जाऊँ तो ठीक है? नहीं, हमारे हिसाब से तो ठीक नहीं है, जाना ठीक नहीं है। नहीं है। और अगर मैं यहाँ चला गया तो कुछ दिक्कत हो सकती है? भाई दिक्कत होगी, वो आपको झेलनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाई साहब, नहीं जाते हैं आप कह रहे हो तो ठीक है। तो रात में मतलब पकड़ लेती हैं। अच्छा, और बताते हैं आवाजें भी आती हैं सभी? कुछ आवाजें बहुत खराब खराब सी आती हैं। अच्छा अच्छा, जैसे किसी ने किसी को दाब रखा हो। अच्छा अच्छा, चलो डर के मारे कोई जाता ही नहीं है। ठीक है भाई साहब, ठीक है ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। और आपने इंटरव्यू देख लिया तो आपको मैं बता देता हूँ, ये उत्तर प्रदेश में दिल्ली से 378 बिछवा गांव पड़ता है, वहां के अंदर जाके 3 किलोमीटर, हालांकि एक गांव पास में ही है बट बिछवा के उस एरिया के अंडर ही आता है ये गांव। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां की बहुत सारी कहानियां हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं, इस जगह पे लोग आने से भी डरते। तो मैं आपको पहले इसकी स्टोरी बता देता हूं। इसकी स्टोरी है कि आपको जैसे कि पता है कि भारत में भुखमरी, गरीबी और खेतीबाड़ी से लोग कितने परेशान रहते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता, कई बार फसल उनकी नहीं बिकती, कई बार उनके साथ फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि जिससे इंसान मजबूर हो जाता है। तो यही एक मजबूर परिवार की कहानी इस उत्तर प्रदेश में आपके सामने मैं बता देता हूँ कि क्या हुआ था। एक फैमिली थी, पैसा नहीं था, ऊंची जात नीची जात जैसे कि आपको पता है देश भर में होता है, आज तक ये सिर्फ इंडिया में ही होता है, वैसे मेरे हिसाब से फॉरेन कंट्रीज में नहीं होता। और इसके कारण वो फैमिली बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो गई थी, उनके पास पैसा नहीं था इलाज कराने का, जैसे कि एक आपको पता ही है कभी इलाज की ज़रूरत होती है, कभी खाने की ज़रूरत होती है, इंसान मजबूर हो जाता है। और नीची जात थी, ऊंची जात नीची जात मैं नहीं मानता, मेरे लिए सारे इंसान एक बराबर हैं और होने भी चाहिए आप सभी के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस वजह से उस घर वाले की किसी ने मदद नहीं करी, जिसके कारण वो परिवार जिसमें 3 बेटियाँ, 1 बच्चा और 2 हस्बैंड वाइफ इस जगह पे आके, इस पेड़ के आके पास आके अपने आप को दिन के समय में 1-2 बजे के बीच में फांसी लगा के लटक गए, अपने आप को मार लिया। इंसान जब मजबूर हो जाता है तो उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं होते, इस कारण वो ये स्टेप उठाता है जिससे कि इंसान उस परेशानियों से मुक्ति पा सके, मुक्ति मतलब फ्री हो सके, क्योंकि उनके पास कोई और रीज़न नहीं था जिंदा रहने का। इस लोकेशन पे ये शायद सारी फील्ड है, तो मैं आपको बताता हूँ, आई बिलोंग फ्रॉम फार्मर फैमिली, सो आई डोंट केयर अबाउट दी फील्ड्स के यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मुझे खेती के बारे में कुछ नॉलेज ज़रूर है, क्योंकि मेरा बचपन भी और मेरा कुछ टाइम भी ऐसी जगहों पर गुजरा है और मैं पसंद करता हूँ ऐसी जगहों पर जाना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैं EMF के साथ आया हूँ। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे उनके पैर पेड़ की डालियों पे लटके होते हैं और वो आवाज़ें मारते हैं और चिल्लाते हैं। और दूसरा जो यहाँ की दूसरी बात है, मैं आप सब व्यूअर्स को ये बता देता हूँ, जितने नए व्यूअर्स हैं उनको भी ये बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ड है छिरोटा, आपने सुना होगा कभी, आप इस नियर बाय आओगे तो आपको पता चल जाएगा छिरोटा, जिसका मतलब होता है कि जैसे कि मेरा सेम टू सेम एक क्लोन किसी को दिखता है और वो उसे फॉलो करता है और उसे वो लेके जाता है और वो आवाज़ें मारता है। तो बताते हैं कि आपके सेम जैसा ही एक व्यक्ति, एक इंसान
पेड़ पे लटका होता है, जैसे कि जो इंसान इस तरफ देखता है उसको लगता है कि वही इंसान यहाँ पे लटका हुआ है, ऐसा गांव वालों का कहना है और ऐसा लोगों का कहना है जैसे कि आपने इंटरव्यू में देख ही लिया। तो आज मैं इस झूठ या सच को बताने आया हूँ विद दिस EMF मीटर। मेरे नए व्यूअर्स को मैं फिर से बता देता हूँ, ये EMF मीटर है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं हर जगह, उनके पास यही डिवाइस होता है, और भी डिवाइसेस होते हैं बट आपको पता है मैं लॉकडाउन में शूट कर रहा हूँ सो मेरे पास और सोर्सेज नहीं है नए नए डिवाइसेस मंगाने के, अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब मैं चलता हूँ उस लोकेशन की तरफ और आपको वो पेड़ दिखाता हूँ, बताते हैं कि 70 से 80 साल पुराना वो पेड़ है जैसा कि आज तक लोगों ने बताया है। ये वो पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, इतना विशाल पेड़ है, आप देख सकते हैं इसकी डालियां, इसको ऊपर से, इसको लेफ्ट साइड से, इसके राइट साइड से, कि कितना बड़ा और कितना पुराना पेड़ है ये। और काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि वो क्या पड़ा हुआ, तो मैं उसमें बता देता हूँ, दिखा भी दूंगा लास्ट में कि उसके अंदर ये मेरे EMF का बॉक्स, इस लाइट का बॉक्स रखा हुआ है और मेरा लोअर है, मैं गारेज बैग का वो लेके आ गया था क्योंकि बैग लाना थोड़ा सा हो गया। और इतना लेट टाइम मैंने क्यों दिखाया तो मैं आपको बताता हूँ, ये पीछे से मोर की आवाज़ आ रही है, मोर है ये, इतना लेट क्यों आया मैं ये बता देता हूँ कि हम यहाँ पे 12 बजे शूट करने वाले थे बट हमारी आँख लग गई, हम गाड़ी में सोते रह गए जिसके कारण हम काफ़ी लेट हो गए। बट जो गांव वालों का कहना वो ये है कि यहाँ पे दिन में दिखाई देता है, पर आप लोग चाहते हैं कि सच तिवारी सागर तिवारी रात को ही शूट करें विद गूगल टाइम, जैसा कि मैं अब तक करता हूँ। मैं कभी भी जाऊँगा, कितने बजे भी जाऊँगा, तो मैं आपको टाइम ज़रूर दिखाऊँगा, चाहे वो 7 बजे चाहे 8 बजे। मेरे नए व्यूअर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा और पुराने व्यूअर्स को कि आज तक यूट्यूब में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि गूगल टाइम दिखाते हैं, वरना तो मैं ये 7 बजे भी शूट कर लेता, मेरी आँख 11 बजे लगी होगी इस वजह से मैं इतना लेट उठा हूँ, वरना तो मैं 7-7:30 बजे पहुँच भी चुका था। तो चलिए आइए कुछ EMF के थ्रू इनसे बातें करते हैं। पहली बात, मैं कभी ये नहीं बोलता कि भूत होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ एनर्जीज होती हैं, मैंने कभी भूत नहीं बोला, अपने दिमाग में डाल लो, अनटिल अनलेस वो मेरे को दिखती नहीं है, और जब मैं उन्हें देख लूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आगे आ जाओ एक बार, ये कुछ काले कपड़े लाल कपड़े बांध रखे हैं जिससे बताते हैं गांव वाले कि, मैंने पूछा था जब मैं यहाँ पे आया था दिन में, तो मैंने उनसे ये बात पूछी कि आपने ये क्यों बांधा हुआ, तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे कुछ बड़े बड़े बाबा जो कि पंडित होया करते हैं उनसे पूजा करा लेते हैं साल में एक बार, तो ये तब के बंधे हुए हैं। और आपको पता ही है, मैं सबको बता देता हूँ कि पीपल का पेड़ जो होता है उसमें लोग दिन में पूजा करते हैं, पर रात के समय जाने पे, रात के टाइम पे जाने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे कोई भूत, कोई साया, कोई आत्मा, कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे ना हो, पर लोग उसे डरते हैं। और ये मेरे को ही डर लग गया, इससे बताओ यार, तुम मिल गए, तुम ऐसे देखने लग गए, मेरे को डर लग गया। तो ये एक मेंढक है जो कि भग गया, मैंने बोला पता नहीं क्या हो गया, आज मैं भी डर गया भाई, सस्ती वाली भी डर गया भाई। और इससे पहले मैंने ना यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देखी थी, अब वो आप शायद बिलीव नहीं करोगे, वो एक छोटा सा सांप का बच्चा था, इतना सा, बट वो जा रहा था जब मैं यहाँ पे आ रहा था, पर कोई बात नहीं, छोड़ो, नहीं दिखा तो हम क्यों माने इस बात को। तो ये वो पेड़ है इतना बड़ा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों से, वो 3 लड़कियों एक लड़का और उन हस्बैंड वाइफ से इस मीटर के थ्रू बातें करूँ, उनको यहाँ पे देखने के लिए भी मैं तैयार हूँ, मैं उनको एहसास करने के लिए भी तैयार हूँ, तो वो हो सकता है सिर्फ मीटर से। ये मेरा फ़ोन रख लो। तो आइए कुछ बातें करते हैं
एक इस तरफ ना कुछ आवाजें आ रही हैं शायद। हाँ है ना, टहनी से पता नहीं। एक बार इधर करना, यहाँ पे छोटे छोटे जानवर भी होते हैं घर रात को। आ रही है आवाज तक तक? चलो कोई बात नहीं। चलो आ जाओ इस तरफ, पीछे इधर इधर ही घूम जाओ। यहाँ पर शायद कुछ लग रहा था मुझे, इधर इस तरफ। अच्छा, अरे ये वो हैं जो खेती बाड़ी में आते हैं ना, वो जानवर है जो कि रात को फसल उजाड़ते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस मीटर को ऑन करता हूँ। कुत्ते भी भौंक रहे हैं पीछे से, और बातें करने की कोशिश करता हूँ। ओ यार, कोई बात नहीं, ये पकड़ना यार, ये पकड़ना लाइट, एक मिनट लाइट पकड़ना यार। कोई नहीं, मैं चला गया। चलो कोई बात नहीं, पकड़ो। चलो ठीक है, पकड़ लोगे ना? हाँ। पता है खेतों में जंगलों में ऐसे टाइम पे शूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कीड़े मकोड़े सांपों का जानवरों का डर रहता है। बट कोई बात नहीं, इस मीटर को चालू करते हैं। लाइट की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है, लाइट अभी हाँ कम कर देता हूँ लाइट थोड़ी सी ना, इसको यहाँ रख देते हैं मीटर को, लाइट को कम कर दो। कोई बात नहीं, रुको, ये रहा, ये दिखा दो, रुको, कोई बात नहीं। चलो, परेशान हो रहे थे। सीधा बातें करते हैं। सॉरी यार, ये अनकट वीडियो है, इसलिए बार बार कैमरा हिल रहा है, क्योंकि एक टेक में, पहली बार यूट्यूब पे कोई हॉन्टेड वीडियो बनाता तो एक टेक लेता नहीं है, मजबूरी हो वो बात अलग है, बट ऐसा नहीं होता कि हर वीडियो आप अनकट बनाओ, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे रहस्य होते हैं, वो बताना छोड़ो। फिर से कोई है क्या? रुको, इधर नीचे करना, ये है वो कीड़े जो चढ़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। मैं लाइट बंद कर दूंगा, बीच में बार बार कीड़े आए जा रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई भी उस परिवार का ऐसा कोई भी व्यक्ति इंसान, चाहे वो लड़की हो चाहे वो, यार ये कैमरा काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, एक बार मेरे को दे दो फ़ोन। कोई बात नहीं, तुम लाइट पकड़ लो, लाइट एडजस्ट करो। या फोन की फ्लैश तो ऑन नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, ये लो पकड़ो, कैमरा पकड़ो। ठीक है, दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है? हाँ, क्लियर दिख रहा है। कोई भी ऐसा उस परिवार का इंसान अगर यहाँ पे है, तो मुझे अपने होने की प्रेजेंस एहसास दिलाइए। बताते हैं कि आप इस पेड़ पे होते हो, अगर ऐसा है यहाँ पे। ओके, बस मैं आपको यहाँ पे परेशान नहीं करने आया, आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपको यहाँ पे परेशान करने आया हूँ, ये काफ़ी कंटिन्यूसली सिग्नल आया है। शायद मैंने बात ही स्टार्ट करी है और ये कंटिन्यूसली सिग्नल आ रहे हैं। एक बार लाइट बंद कर दो। अब रुक गए एकदम, अब रुक गए हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ आप यहाँ पे हो, आपने अपने होने की मुझे प्रेजेंस फील कराई है। ये आवाज़ मेरे शूज से आ रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आप उस परिवार के आदमी हो या औरत हो। अगर आदमी हो तो मुझे लाइट दीजिएगा, अगर औरत हो तो मुझे लाइट नहीं दीजिएगा। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे इस बत्ती के पास आके अपने होने का एहसास दिलाइए। मैं वादा करता हूँ मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ मैं आपसे
यहाँ पे किसी भी तरीके की उल्टी बात नहीं करने आया। मैं जानता हूँ आप परेशान हैं, आपने मतलब ये एक आदमी है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। आई थिंक ये आवाज़ आई जा रही है ना काफ़ी ज़्यादा, अभी दोबारा फिर से, कोई बात नहीं शायद अब चले गए हों यहाँ से। मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, अगर आप यहाँ पे हैं तो मुझे पेड़ के पास दिख सकते हैं, मैं देखना चाहता हूँ आपको। हालांकि मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपको देख पाऊँ, पर अगर आप हैं तो आज मैं ये कदम लेने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा है तो मुझे प्लीज़ बताइए आप क्या ऐसा कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो मतलब मैं आपको देख सकता हूँ, पर आप मुझे दिख नहीं रहे हो। क्या आप वो तीनों बेटियाँ भी यहाँ पे हैं अपने परिवार के साथ में? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि ये परिवार आज इकट्ठा है साथ में, जो कि इस पेड़ के आसपास है, घूमता है। लाइट जलाना, लाइट जला देना, थोड़ी सी ज़्यादा लाइट लो बस। ये आई थिंक ये किसी रूप में होते हैं ना, तो मे भी तुमने बोला ना कि किसी भी देखें भी नहीं, नहीं वे जब से अभी नहीं है, खैर अभी नहीं है और अभी शायद चले गए, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है, इतनी स्वेटिंग हो रही है, मेरी पूरी शर्ट भीग रही है, पता नहीं मैं जब से ये बातें कर रहा हूँ फिर से जल रही है। और एकदम से ही साउंड्स बढ़ रही हैं जब भी लाइट जलती है, ये एक अलग, ये एक अलग बात है या मेरे गूज बम्स खड़े हो गए, दिख रहे हैं हैं? ये मैं मेरे बालों के पास भी, यार मेरे को काफी ज्यादा हो रहा है शायद, ये देखो गूज बम्स दिख रहे हैं। यस, जब भी मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ये सारे दूर से ऐसा कोई रोक रहा है, कोई रोक रहा है मुझे स्टॉपिंग बात करने के लिए। कुछ पक्षी यहाँ पे हैं, कुछ लोग यहाँ पे हैं या नहीं है ये नहीं पता, कुछ पूछ सकते हैं कि दे वांट टू टॉक टू अस और नॉट यार। अगर आप चलो कोई बात नहीं, मैं उनसे पूछता हूँ, रुकिए। पर मेरे को ये तो श्योरिटी हो गई कि यहाँ पे जब मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ एकदम सारे, देखा अब एकदम साइलेंट हो गया। हाँ। ये आया होगा ना ये कैमरे में, ऑब्वियसली 100%। जब भी मैं बात करता हूँ, कुछ क्वेश्चन करता हूँ, ये सारे पंछी जानवर अब शायद फिर से ही बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं बहुत हैवी, कुछ ज्यादा ही वाइब्स हैं यहाँ पे, कुछ ज्यादा ही वाइब्स हैं यहाँ पे। आई थिंक ओके, ये मेंढक की आवाज आई यार ये पीछे से, तो टुक टुक कैसे करके देखो उधर, एक बार उधर लाइट मार दे, वहां से आवाज आ रही है। हाँ ऐसा कोई दिख तो नहीं था, आवाज आई है। मैं जानता हूँ ये सब कॉमन होता है, मोरों का चिल्लाना, कुत्तों का भौंकना रात को हो सकता है, बट टाइमिंग, पर टाइमिंग देखो, एक साथ क्या हर तरफ से, क्या चारों दिशाओं से, चारों साइड से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, शायद दे वो चाहते नहीं है कि, अब बड़े रेपेलेस फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी बंद कर दो जाओ। हाँ ऐसी फीलिंग सी बार बार करें क्यों? आज मुझे एक चीज देखी तुमने यहाँ पे? हाँ थोड़ा आगे आओ, ये टूक टूक आवाज आ रही, देख रहे हो कुछ ये पुराने जमाने की चप्पलें यहाँ पे रखी हुई हैं। हाँ कुछ स्लीपर्स हैं यहाँ पे। हाँ अब ये
ये जो भी हैं मुझे नहीं पता क्या है यहाँ पे। मुझे ये तो पता चल गया कि आप लोग यहाँ पे हो और मुझे आप दिखे नहीं हो। मैं देखना चाहता था, हालांकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, पर कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ से जाऊँ, बस मैं ये जानना चाहता था। और मैं यहाँ के गांव के लोगों को और अपने कुछ लोगों को ये बताना चाहता था कि आप यहाँ पे हो, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। अगर आप यहाँ पे हो, क्या आप चाहते हो मैं यहाँ से जाऊँ? क्या आप चाहते हो तो मैं यहाँ से जाऊँ? मेरे को लाइट दो, थोड़ी पास की तरफ आना और पास आ जाओ। ये नहीं चाहते मैं यहाँ पे रुकूं, मैं आपको परेशान नहीं करने आया। एक बार लाइट बंद कर देता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं पास जाता हूँ, मेरे कैमरे से फ्लक्चुएशन आती है, बट यहाँ पर बहुत हैवी वाइब्रेशन है। राइट, अभी भी चलती है। कोई बात नहीं, मैं भी दूर हूँ यहाँ से, मैं भी दूर। एक बार कपड़े झाड़ लो अपने। ये चाहते हैं हम यहाँ से जाएं, पर आप लोग मुझे वादा करो कि आप मेरे पीछे नहीं आओगे, आप मेरे साथ साथ नहीं आओगे और मेरे को परेशान नहीं करोगे। और अगर ऐसा है और आप इस बात से सहमत हैं, देखो मैंने आपको यहाँ पे कोई परेशान नहीं किया, गांव के लोगों का कहना था, बस मैं ये जानना चाहता था यहाँ पे ये सब है या नहीं है। अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे बताओ। ठीक है, आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस इन्वेस्टिगेशन। यस, दे वॉन्ट अस टू गो राइट नाउ, वी शुड लीव दिस प्लेस राइट नाउ। राइट, बट लाइट जलाते हैं एंड वी आर जब लाइट जा रहे थे एक बारी। या जस्ट स्विच ऑन द लाइट, आई थिंक ओके, दे वांट मी टू गो, दे डोंट वांट टू टॉक एनी मोर। यार एक बार शर्ट मतलब पूरे पसीने में हो चुका है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। एक बारी देखें, अगर कोई जानवर तो नहीं है? हो सकता है, आ जाओ। थोड़ा यहाँ ध्यान से आना, यहाँ पे ना सांप के बिल भी हैं, तो कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है। थोड़ा नीचे फ्लैश भी रखना, वैसे हमें अंदर जाना नहीं चाहिए यार, पता है क्यों? बल मेरे को कोई डर नहीं है, बट तुमने स्लीपर्स पहनी हुई है, तुमने शूज़ पहने चाहिए थे यार, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं जाते वहाँ पे। मैंने शूज़ पहने हुए हैं। देखो इसके थ्रू मुझे कुछ सिग्नल्स आए, मैं कभी भी बोलता नहीं हूँ कि भूत हैं या कुछ भी है, ना मुझे कुछ दिखा ऐसा। कीड़ों की वजह से बार बार ये करना पड़ रहा है। एक मिनट, मैं अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हो गया हूँ, इस बात से एग्री हो चुका हूँ कि यहाँ पे उन चीज़ों की प्रेजेंस है जैसा कि गांव वाले बताते हैं, जैसा कि आपने इंटरव्यू में। और आई थिंक मतलब अनईजी है, नहीं आना चाहिए यहाँ पर अभी तो फिलहाल, जब तक कोई प्रॉपर तरीके से कुछ होना। और अगर किसी को आना हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके जरूर, मेरे से ये बार बार कीड़े घूम रहे, रुको, मेरे से इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझसे ये जगह के बारे में जान सकते हो, मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगा। ऐसा कोई भी इंसान अगर यहाँ पे आना चाहता हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। पर आओ, चाहे दिन में आओ चाहे रात में आओ, बहुत सेफ्टी के साथ आना। पाँच छः लोग साथ में या हमारी तरह मत आ जाना। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो मुझे यहाँ के कुछ रूल्स पता है, यहाँ के लोगों का नेचर पता है, मैं यहाँ से बात कर सकता हूँ, कम्युनिकेट कर लेता हूँ। तो नाउ वी थिंक आई थिंक वी शुड एंड दिस वीडियो राइट। तो बस मैं ये चाहता हूँ यार कि इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। उनके एनर्जीज की प्रेजेंस इस मीटर में कैप्चर हुई हैं पता चला, और काफ़ी लेट हो चुका है, दिल्ली पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि मॉर्निंग में मेरे को कुछ काम है जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूसली वीडियो आती जा रही है। इसलिए आपने एक चीज़ तो नोटिस करी होगी, जब मैं इस EMF पे बात कर रहा था पीछे से शोर शोर हो रहा था। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी वीडियो देखा।